कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे बढ़िया होंगे। चलो गाइस, संडे का दिन है, आज एक नया टॉपिक और एक नई चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी स्पिति चितकुल की ट्रिप करी है, अपने नए सस्पेंशन के साथ, टफ डॉग के साथ, जो आपने लास्ट वीडियो देखी। चितकुल ट्रिप पे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी और वहाँ पे जो वीडियो बनाई थी उसमें ज़्यादा चीज़ों पर बात नहीं कर पाए थे। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि हमने जो है गाड़ी ज़्यादा ड्राइव नहीं करी थी, 800-1000 किलोमीटर करी थी जब हम चितकुल और उससे आगे पहुँचे थे। अब क्या है, अब गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर हमने ड्राइव कर ली है, तो अब सस्पेंशन जो है बैठ चुके हैं और हमें एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो हमें जो अंदाज़ा मिल चुका है कि क्या चेंजेस आए कंपेयर टू स्टॉक सस्पेंशन, और जो टफ डॉग की परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ी सी और बात करते हैं, और स्टॉक थार में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बट कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे जो आई एम श्योर सब समझ पाएंगे। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक सस्पेंशन में क्या वो चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मैंने टफ डॉग लिफ्ट किट डलवाई, क्यों मेरे को डैम्पर्स चेंज करवाने पड़े। तो सबसे मेजर जो कंसर्न आता है जो सारे थार ओनर्स को था, वो है थार के जो स्ट्रट्स आते हैं, जो थार के डैम्पर्स आते हैं और स्प्रिंग आते हैं, उनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है ऑन हाई स्पीड्स और ऑन रफ टेरेन। क्योंकि जो मेजर ड्रॉबैक सारे ओनर्स को लगता है जिसमें गाड़ी आपकी स्पिन करती है थोड़ी सी हाई स्पीड पे, अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए या कोई अनइवन सरफेस आ जाए जहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में है, 60-70 की स्पीड में है, वहाँ पे ऐसा फील होता है कि स्पिनिंग इफेक्ट आता है ना, सब बॉल जो है स्पिन करते हो तो स्पिन में जो बॉल है वो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाती है, सीधी नहीं जाती। वही इफेक्ट आता है स्टॉक सस्पेंशन में और जो सारे थार ओनर्स को आता होगा, आई एम डेड श्योर ऑन दैट। अब उसका रीज़न क्या है, अब इस चीज़ को समझते हैं कि स्टॉक थार में वो स्पिनिंग इफेक्ट आता क्यों है। सबसे बड़ा उसका रीज़न है पीछे के शॉकर्स, जिसमें होता क्या है, स्प्रिंग तो ठीक है बट जो शॉकर होते हैं ना उसमें जो डैम्पर्स होते हैं, वो डैम्पर जब दबते हैं ना तो विद टाइम बहुत जल्दी इनफैक्ट वो वापस अपनी जगह पे ना अपने आप नहीं आते हैं, एंड दैट इज़ वॉट यू कॉल्ड एज शॉक फेड। अब स्प्रिंग क्या करती है, सारा लोड जो आ जाता है ना स्प्रिंग पर आ जाता है पूरी गाड़ी का। उससे होता क्या है, जब गाड़ी स्पीड में होती है तो गाड़ी में शॉकर या स्प्रिंग जैसे ही दबता है या शॉकर दबता है उसमें स्प्रिंग का ही सारा खेल होता है, ठीक है। शॉकर किस लिए लगाए जाते हैं गाड़ी में, ताकि उस स्प्रिंग का जो रीबाउंड है, जो गाड़ी दब के एकदम स्प्रिंग उछालता है, वो उसको ग्रेसफुली रिलीज करे शॉकर, एकदम से उसको छोड़े ना स्प्रिंग को। वही काम होता है गैस और ऑयल शॉकर्स का और नाइट्रो गैस और फोम सेल सस्पेंशन का। और इस थार में क्या दिक्कत है कि वो जो शॉकर लगे हुए ना ऑयल शॉकर्स, वो अपने आप नहीं आते हैं अपनी जगह पे आराम से, उसको स्प्रिंग की फोर्स से वापस आना पड़ता है, जिससे होता क्या है कि शॉकर अपना काम कर ही नहीं पाते हैं और जो स्प्रिंग जिस स्पीड से वापस आनी चाहिए, रिबाउंड जो फील होता है वो अनइवन होता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी स्पिनिंग इफेक्ट में फील होती है। अब उस चीज़ को, उस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए फोम सेल जो टेक्नोलॉजी है टफ डॉग की, जिसमें उनके नाइट्रो गैस भी आते हैं, फोम सेल भी आते हैं और एक 9 स्टेजेस फोम सेल सस्पेंशन आते हैं जो अभी थार में नहीं है। तो गाइस, फोम सेल टेक्नोलॉजी या टफ डॉग फोम सेल सस्पेंशन पे हम क्यों गए हैं, क्योंकि एक तो ये कंपैटिबल होते हैं स्प्रिंग के, जो इसकी स्प्रिंग है वो स्टॉक से थोड़ी सी हैवी है, ठीक है, तो प्रेसिंग इफेक्ट में बहुत हेल्प करेगी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि इसमें फोम सेल और नाइट्रोगैस टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको एयर बबल्स विद टाइम नहीं दिखते हैं, जो कि ऑयल में एयर बबल्स आ जाते हैं तो उसमें भी शॉक फेड होता है विद टाइम, शॉक जो है अपना ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अगर उसमें एरिएशन या उसमें बबल्स आ गए हैं एयर के, ठीक है। तो उस चीज़ में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि टफ डॉग फोम सेल ने क्या डिफरेंसेस करे हैं। तो टफ डॉग फोम सेल टेक्नोलॉजी या फोम सेल सस्पेंशन ने क्या करा है कि स्प्रिंग के साथ वो कंपैटिबल हुए हैं, ग्रेसफुली जो है शॉकर रिलीज होते हैं, तो होता क्या है हाई स्पीड में भी वो जो स्प्रिंग है वो एकदम से रिबाउंड नहीं मारती है, वो आराम से रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ शॉकर्स। सो जो डैम्पर्स हैं वो फोम सेल टेक्नोलॉजी पे हैं, जिसमें वो आराम से जाते हैं और आराम से ही बाहर आते हैं, जिससे होता क्या है आपकी जो राइड क्वालिटी है उसमें बाउंसी पना ख़त्म हो जाता है। तो एक सिंपल सा मैथ्स है, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल ज्ञान नहीं है, कोई भी इंसान समझ सकता है इस चीज़ को कि अगर आप खाली स्प्रिंग पे कोई चीज़ चला रहे हो तो जैसे ही गड्ढे आएंगे, अनइवन सरफेस आएगी, वो स्प्रिंग स्प्रिंग की तरह काम करेगी और
जितना दबेगी उसी स्पीड से बाहर आएगी. तो उसमें शॉकर्स क्या करते हैं, शॉकर टेक्नोलॉजी डज द वर्क टू बी कंपैटिबल विद द स्प्रिंग, जिससे ग्रेसफुली वो रिलीज करें. अब जब ग्रेसफुली बाउंस आएगा तो उसमें गाड़ी जो है अनइवन नहीं जाएगी, उसमें एक फर्म रिलीज होगा शॉकर का स्प्रिंग के साथ, जिससे आपकी गाड़ी सीधी चलेगी. तो सबसे बड़ी दिक्कत जो थार ओनर्स को यही आती थी कि गाड़ी जो है स्पिन करती थी पीछे से और हैंडलिंग में बहुत दिक्कत होती थी हाई स्पीड में स्पेशली. यार उसमें ऐसा लगता था कि गाड़ी जो है ना पीछे से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जिसमें कभी कभी एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं. अब क्या है, अगर मैं इन सस्पेंशन को टफ डॉक की टेक्नोलॉजी को मैं आयरन मैन से कंपेयर करता हूँ, तो आयरन मैन की जो किट आती है गाइज, उसमें सिर्फ आगे का जो स्टांस आता है, तो गाइज आगे का जो थार में झुकाव होता है, अगर आप स्टांस देखोगे स्टॉक थार का, वो झुका हुआ रहता है. तो पीछे के कंपैरिजन गाड़ी का नोज जो है वो झुका रहता है, जिससे क्या होता है स्टेयरिंग जो है बहुत हार्ड होता है. क्यों? क्योंकि सारा लोड जो है स्टेयरिंग पे ही आता है सारा इंजन का, तो पूरा लोड जो है पूरा आगे की तरफ ड्रॉप होता है. तो उससे क्या होता है स्टेयरिंग हार्ड होता है और ड्राइविंग कैपेबिलिटी में भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका. अगर गाड़ी का स्टांस सीधा नहीं है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस मैटर करेगी, और हाई स्पीड में भी देखोगे आप. तो आयरन मैन की जो किट है वो मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि गाइस आयरन मैन एज अ ब्रांड इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है टफ डॉग की तरह, जस्ट लाइक ARB. तो ये तीनों चारों ब्रांड अमेजिंग हैं, बट आयरन मैन के साथ दिक्कत ये है कि आयरन मैन अभी जो है लिफ्ट किट थार के लिए उन्होंने लॉन्च नहीं करी है. हालांकि उन पे भी फोम सेल प्रो की लिफ्ट है, पर वो जिमनी में आती है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स में आती है, बाकी सारी ब्रांड्स और कार्स में आती है, पर थार के लिए अभी अवेलेबल नहीं है. तो आयरन मैन की जो किट अवेलेबल है इस टाइम पे जो थार के लिए, वो सिर्फ आपकी नोज को ना अप कर देती है और एक स्ट्रेट स्टांस में आपकी गाड़ी स्ट्रेट हो जाती है, जिससे होता क्या है आपका स्टीयरिंग लाइट हो जाता है, ड्राइविंग कंफर्ट बढ़ जाता है और एक स्टेबिलिटी आ जाती है. बट दैट इज़ नॉट अ लिफ्ट किट जिसमें आपको स्टेपर जो है ऊपर दिखे और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाए. मेन जो पॉइंट है ये होता है कि थार ओनर्स के लिए, मेरे लिए तो खासकर से मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग द डिफ ड्रॉप्स. उसके साथ साथ अगर आपको एक हल्की अफोर्डेबल हाइट मिल रही है जिसमें आपकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाए और आपकी लिफ्ट हो जाए गाड़ी, वो है 2 इंच के अंडर. सो ये जो किट है टफ डॉग की, ये अंडर 2 इंच लिफ्ट देती है आपको. आयरन मैन का सीन ये है, आयरन मैन अराउंड 1.5-2 इंच का आगे से आपको स्टांस में इंप्रूव कर देगी, जिसमें आपकी गाड़ी स्ट्रेट हो जाएगी, कोई वो लिफ्टेड नहीं लगेगी और कोई इसमें मॉन्स्टर फील नहीं आएगी. बट ये जो है ये 40 mm की लिफ्ट है आगे भी और पीछे भी, जिसमें आपकी गाड़ी लिफ्टेड लगती है, जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ गाड़ी को अभी आगे से. सो गाइज अगर आप सामने से गाड़ी को देखोगे और साइड से देखोगे, गाड़ी जो है कैमरे में तो इतना नहीं फील होता है, बट सामने से अगर आप देखोगे इसको स्टॉक के साथ खड़ा करके, तो गाड़ी में 2 इंच के आसपास का लिफ्ट है. इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो गया है ऑलमोस्ट, नाना करते हुए भी मेरा जो हाथ है ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, घुटने तक का लिफ्ट हो गया है. तो उससे क्या होता है गाइस कि बहुत जगह पे एज अ ड्राइवर आपको कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप रफ टेरेंस में, रॉकी टेरेंस में या पानी में या फिर किसी भी पैच में जहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ जो कम ग्राउंड क्लियरेंस की है वो दिक्कत देती है, वहाँ पे ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है. एंड हैविंग सेड दैट, ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट हाँ अगर आप इस लिफ्ट को और कर दोगे उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. डिफ ड्रॉप को छेड़ना पड़ेगा, जिसके सस्पेंशन होता है, कंट्रोल आर्म्स होते हैं, उनको छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एंगल जो है ना, जो CV एंगल, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंगल होता है, उसको जो है आपको छेड़ना पड़ता है. तो उसके बारे में नहीं बात करते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें नहीं करवाई हैं. एंड आई रेकमेंड कि 2 इंच से ज़्यादा की लिफ्ट मत करवाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छिड़ जाती हैं. करवाना चाहो करवा सकते हो, अगर आपकी ऑफ रोड, आपकी गाड़ी ही वो 1-2 घंटे और 4 घंटे ऑफ रोड के लिए निकलती है तो बात अलग है. अगर आपको हाईवे पर ड्राइव करनी है तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू गो फॉर 2.3 इंचेज और 4 इंचेज अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम के लिए चाहिए. अगर आपने थार गाड़ी ली है, ठीक है, आप 2 लाख के टायर डलवा रहे हो, 4 लाख के अलॉयज डलवा रहे हो, ठीक है, शौक है, अच्छी बात है. बट गाइज बहुत बार ना हम सस्पेंशन को इग्नोर कर देते हैं, और जिससे क्या होता है आप उन टायरों को लगा के जब पहाड़ों में जाते हो या फिर लंबे टूर पे जाते हो ना, तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है. एंड स्पेशली यू के नॉट टेक योर फैमिली ऑल्सो, अगर इवन आपका पार्टनर भी है ना तो वो भी खुश नहीं होगा. सो माई सजेशन इज़ कि सस्पेंशन जो एक ड्यूएबल सस्पेंशन है, जिससे आपकी गाड़ी को
हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा वो आप करवाओ, बिकॉज उससे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। गाड़ी से आपका प्यार और बढ़ जाता है क्योंकि आपकी राइडिंग कंफर्ट बढ़ जाती है। उसके अलावा गाइज ज़्यादा कुछ है नहीं टेक्नोलॉजी के ऊपर। आयरन मैन जो है सिर्फ स्टांस आपका बढ़ा देता है, ऑफकोर्स शॉकर्स भी डलते हैं पीछे, बट दैट इज़ लाइक टू एड मोर कम्फर्ट। वो एक लिफ्ट किट नहीं है, आप उसको भी डलवा सकते हो अगर आपको सिर्फ ड्राइविंग हैंडलिंग जो है कम्फर्ट चाहिए, कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। बट टफ डॉग जो है बहुत ही रगेड टेरेन्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आप ऑफ रोड में तो मतलब प्यार हो जाएगा आपको, ऐसा कंफर्ट है और ऐसा परफॉर्मेंस है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरे जो 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं इन सस्पेंशन पे वो वर्थ हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। ऑलमोस्ट लाइक मेरे को नहीं लगता यार मैंने कोई वीडियो देखी है जिसमें ना इसके लीकेज हुआ है या कुछ भी फॉल्ट आया है, बंदों ने अच्छे लाखों किलोमीटर चलाए हैं। ठीक है, बात ऐसी है कि सस्पेंशन जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जीप रैंगलर जो 75 लाख 80 लाख की आती है उसमें सस्पेंशन नहीं डलते हैं, उसमें बहुत अमेजिंग सस्पेंशन होते हैं। येस इट इज़ फार बेटर देन थार, बट अगर आप देखोगे लोगों को तो वहाँ पर लोग इतने $1,000 की गाड़ियाँ लेते हैं, बट आते ही वो सस्पेंशन अपग्रेड करवाते हैं। जैसे आपने किंग्स के देखे होंगे, फैल्कन के देखे होंगे, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसमें वो अपग्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि यार लोडिंग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है सस्पेंशन में। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी गाड़ी में कम्फर्ट और गाड़ी को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो, क्योंकि यार गाड़ी का हैंडलिंग, गाड़ी का कॉर्निंग, जो कॉर्नर्स पे आप टर्न करते हो, हाईवे पे भगाते हो, वो सस्पेंशन पे ही डिपेंड करता है। एंड दीज ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स लाइक ARB, टफ डॉग और आयरन मैन, दीज आर रिकग्नाइज्ड ब्रांड, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इस पैसा डालने के बाद ना इसमें भूल जाते हैं लोग कि भाई इसमें कुछ खराबी होगी, इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस ही होती है, और ये बिल्कुल लोहा लाट मॉन्स्टर वाली परफॉर्मेंस होती है इनकी। ठीक है, बहुत ही रेयर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपको कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी तो यार पैसा है, हार्ड एंड मनी है, और इसको सही जगह डालो। अब होता क्या है ना गाइज, इन सब चीज़ों में क्वालिटी परफॉर्मेंस होती है, और क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बहुत टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है लोग यार चलो यार ये चीज़ इतने की मिल रही है यहाँ से ले लो, बट गाइज ये चीज़ महंगी ही आती है, इसमें आपको डालने ही पड़ते हैं पैसे। इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना तो यानी कि आप पूरी की पूरी बेस जो होती है ना एक बिल्डिंग का बेस, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो सस्पेंशन आर द बेस ऑफ एनी व्हीकल, इफ़ यू वॉन्ट टू एन्जॉय द व्हीकल तो सस्पेंशन अच्छे होने चाहिए। तो यार ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि मिस हो गए थे लास्ट वीडियो में, क्योंकि हम ट्रिप पे थे, टाइम नहीं होता है। तो सिंपल सा है, अगर आपको स्टांस आगे से फ्लैट करना है, पीछे के स्टांस को कंपेयर करना है, तो आप आयरन मैन पे जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लिफ्ट करवानी है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए अलॉन्ग विद लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, तो यार टफ डॉग इट्स द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। मेरे को अभी तो ये लगता है कि थार के लिए तो टफ डॉग वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द केयर, अभी सिर्फ यही कहता है इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन मेड जो अवेलेबल है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी को, और देखते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी जो है बाहर से और अंदर से कैसा फील आता है, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि आई रियली लाइक पीपल हु आर कॉमेंटिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, बहुत लोगों ने ARC और बहुत सारे सस्पेंशन डलवाए हैं एंड दे आर पुटिंग क्वेश्चन, एंड दिस इज़ वॉट आई रियली लाइक गाइज, एंगेजमेंट होनी चाहिए। डू नॉट कीप the negative, the pros and the cons to yourself only, put it you know at a platform jahan pe we can discuss and we can solve the problems, kyunki somehow maybe this video can help lot of people and that's what I want. Yahi main chahta hu ki if you are customizing your vehicle, if you are customizing the suspension, theek hai, usme you should have an example or a video jahan pe aapko ek आइडिया मिल जाए, क्योंकि यार पैसा दोबारा नहीं आता लगाने के बाद वापस, वो वहीं का वहीं रहता है। तो चलो अब जो है थोड़ा ड्राइव कर लें यार, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है। बाहर से देख के तो साली मॉन्स्टर वाली फील आती है अगर आप कभी देखोगे इसको, एंड अब ड्राइव भी कर लेते हैं भाई कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी। तो गाइस बातें कर ली, अब थोड़ा बाहर से तो बातें कर ली, अब थोड़ा इसको ड्राइव भी कर लेते हैं गाड़ी को। तो गाइस कंफर्ट जो है गाड़ी का, अगर मैं केबिन से बात करूँ आपसे, तो गाड़ी में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली टेस्ट करके आ चुका हूँ, स्नो में इतनी गाड़ी चलाई है, ट्रस्ट मी। और जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, स्पेशली ऑन हाई स्पीड, हाई स्पीड में क्या होता है, जब आप इतनी गाड़ी, अगर आपने मेरी देखी हो, ऊपर जो है डब्बे लगे हुए हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो आपको ना हमेशा डर रहता है कि यार, तो हमेशा ना यार एक वो होता है कि भाई
गाड़ी में इतना सामान लेके चल रहे हैं, कहीं गाड़ी डिसबैलेंस हो गई या फिर इधर उधर निकल गई तो कैसे होगा सीन। तो उसमें क्या है कि सस्पेंशन हैंडलिंग अगर सही है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। पर यार बहुत डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे डाल दिए हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, ठीक है। तो मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, इसमें ना मेरे को कुछ मिलने वाला है और ना ही किसी और को, बट हाँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एंड लेट्स सी। थोड़े से स्किल्स होते हैं, थोड़े से गाड़ी की कंपैटिबिलिटी होती है, गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं। तो अगर आप देखोगे आराम से गाड़ी निकल गई भाई। ये पैच था पूरा, ये अगर कैमरे में ना अभी फ्लैट दिख रहा होगा, बट ये पूरा का पूरा ऐसा इंक्लाइन है, ठीक है। गाड़ी एकदम से ऐसी हो गई थी और आराम से गाड़ी निकल गई, पूरे डिक्लाइन पे भी आए फिर इंक्लाइन पे गए। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कॉन्फिडेंस इन जगहों पे देती है जब ऐसे पैचेस आते हैं। तो ऐसे भी कभी कभी यार पहाड़ों पे ऐसे पैचेस आ जाते हैं जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को भी क्रॉस करना होता है। और वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं लेके जाता हूँ इन सब चीज़ों में, बट यार कभी कभी आ जाते हैं। तो आप आराम से अगर आपका व्हीकल कॉन्फिडेंस फील करवाता है तो यू कैन टेक द एडवांटेज। सो गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या मेरी वीडियो के थ्रू वो पोर्ट्रे हो पा रहा है या नहीं पा रहा है। कोई अजम्पशन में बिलीव नहीं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे, ठीक है। आप खुद प्रोडक्ट टेस्ट करो। टफ डॉग की परफॉर्मेंस थी और आई एम श्योर आयरन मैन के भी बारे में आपको पता लगा होगा, एंड स्टॉक के बारे में तो आपको पता लग ही गया है और आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं इस लिफ्ट किट के इंक्लाइन और डिक्लाइन पैच पे कितनी स्मूथली ये निकला है। बाकी तो यार हाईवे हाई स्पीड ड्राइव्स पे ये गाड़ी बहुत स्टेबल है, यू विल फील द डिफरेंस अगर आप लगाओगे, एंड इट्स योर हार्ड एंड मनी, तो लगाओ पैसा यार। अगर आप लगा सकते हो तो प्लीज लगाओ, अमेजिंग प्रोडक्ट। ये था टफ डॉग का एक डिटेल्ड रिव्यू, आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कोई क्वेश्चंस हैं तो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से कॉन्टेंट के साथ। और चितकुल की हमारी एक छोटी सी सीरीज है गुड़गांव टू स्पिति चितकुल, वो जरूर देखना, वो आएगी इस वीडियो के बाद। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई गलती हो तो दोस्त माफ कर देना। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।